So class, our next topic in managerial decision making is limiting factor, or it is also known as a key factor. Okay, now let's study the meaning, like what is limiting factor or what is a key factor. Now class, देखो ये किसको applicable है first of all. So it is applied to the manufacturing units where the production of a product is limited. ये वाला जो लिमिटिंग फैक्टर है या तो की फैक्टर है, ये कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई करेंगे हम वहां पर अप्लाई करने वाले हैं जहां पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो हम काफी लिमिट में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल रिसोर्सेज. हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है हम सिर्फ उसको लेके ही हम हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर वो भी हम एक्सेस प्रोडक्शन नहीं कर रहे. हम वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी ऑन अ वेरी लिमिटेड बेसिस. That is, manufacturing unit has to make a maximum utilization of the available resources. अब ये concept क्या बोलता है कि आपको जो भी produce कर रहे हो उसका maximum utilization होना चाहिए. See, आप 100% किसी भी चीज का utilization नहीं कर सकते हो, but at least you should see to it that your wastages are quite minimum. ठीक है. So जितने भी हमारे पास available resources है उसका हमें ये देखना है कि हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सो सी, अगर आप जितना भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे यू विल अर्न द मोर ऑफ द प्रॉफिट्स. क्यों मोर ऑफ द प्रॉफिट्स? अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू, योर वेस्टेजेस विल गेट रिमूव. ठीक है, जो पहले अगर आपके 100 यूनिट्स वेस्टेज होते थे, अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे तो मे बी आप सिर्फ 50 या तो 40 यूनिट्स ही वेस्टेज होगा. सो एटलीस्ट जो वेस्टेज नहीं हुआ आप उसको भी तो बेच सकते हो अभी मार्केट में, एंड यू कैन अर्न द प्रॉफिट. सो हमें ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल सके. बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट मिक्स वी कैन इजीली मेक द प्रॉफिट विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ हम ये रिसोर्सेज के बारे में, तो कौन कौन से रिसोर्सेज के बारे में हियर वी आर टॉकिंग इट ऑफ? हियर वी आर टॉकिंग इट ऑफ रॉ मटीरियल, एंड वी ऑल नो दैट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे बेसिक जो हमें चाहिए वो रॉ मटेरियल होता है. इवन इफ वी हैव अ रॉ मटेरियल बट इफ वी डोंट हैव अ लेबर तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस लिमिटेड रिसोर्सेज इंक्लूड्स योर रॉ मटेरियल, योर लेबर आवर्स, योर मशीन आवर्स, क्योंकि कितना हमें ये भी तो देखना है कि हमारा मशीन कितना टाइम चल रहा है, और उतना टाइम चलने में हमें वो कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है, कितना वो हमारा प्रोडक्शन स्पेस यूज कर रहा है. सो This limited resources, which what they includes? They includes the, again, raw material, labor hours, machine hours, and the machine hours का production का space they are utilizing it. ठीक है, machine hours अलग है, production space is different. Now class, how to solve this type of sum? जब हमारे पास limited resources वाले sums होंगे तो how to solve? Now. क्लास योर आई हैव रिटन डाउन इन द हिंदी एज वेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर एग्जाम में ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसके लिए मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया. नाउ फॉर हाउ टू सॉल्व दिस सम व्हेन यू हैव गेट अ लिमिटेड फैक्टर का सम, तो सबसे पहले आपको जब भी आप सबको सॉल्व करना चाहते हो, फर्स्ट मेक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. हम जो नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स मी द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सेम वी हैव टू प्रिपेयर, बट किधर तक प्रिपेयर करना है? अप टू ओनली द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो दोज हू वांट टू राइट डाउन जस्ट राइट इट डाउन. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. Divide the contribution with a dividing factor. Now, what do you mean by a dividing factor? Dividing factor means here the limiting factor. ठीक है, योर इट मीन्स अ लिमिटिंग फैक्टर. यस, सो व्हाट यू हैव टू डिवाइड इट, यू हैव टू डिवाइड इट विद अ लिमिटिंग फैक्टर. नाउ इन द क्वेश्चन दे विल बी गिविंग यू द लिमिटिंग फैक्टर, लाइक कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है जिससे आपको डिवाइड करना है. अभी हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वी हैव अ फोर लिमिटिंग फैक्टर्स. इधर इट कैन बी अ रॉ मटीरियल, इट कैन बी अ लेबर आवर्स, और इट कैन बी अ मशीन hours, or it can be a production space. तो इसमें से almost, see, mostly तो या तो raw material होता है, labors होता है, या तो machine hours में से, ये तीनों में से कोई एक होता है. So they will be mentioning that limiting factor in the question, के कौन सा हमारे पास limiting factor है. तो जो भी limiting factor होगा, accordingly we have to divide it up.
ठीक है, तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक फाइंड आउट किया. नाउ से फॉर एग्जांपल दैट आई एम अज्यूमिंग दैट मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का वट एवर वुड बी द वैल्यू दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू को डिवाइड कर देना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो आफ्टर क्लास डिवाइडिंग दिस, ये जो भी आपने डिवाइड कर दिया, देन जिसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी, तो लिमिटिंग फैक्टर जो भी दिया हो, रॉ मटेरियल दिया है, तो डिवाइड करके कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट किया. देन यो यू हैव टू गिव द रैंकिंग. नाउ जिसका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, फिर उससे फर्स्ट के कंपैरिजन में जिसका थोड़ा सा कम होगा उसको सेकेंड रैंक देंगे, एंड उससे भी अगर किसी का कम होगा तो उसको थर्ड रैंकिंग देंगे. जितने प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर गोइंग टू गिव द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक. ओके, सो वेरी अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, रैंकिंग ऑर्डर. तो फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट शीट, बट दिस मार्जिनल कॉस्ट शीट विल बी प्रिपेयर ओनली अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. Then they will be giving you in the question के कौन सा हमारा limiting factor है. Depending upon that limiting factor, you have to divide the contribution with that limiting factor. जो भी contribution per unit जिसका सबसे highest होगा उसको first rank देंगे. So after finding out the contribution per unit, divide करने के बाद labor जो भी आपके factor होगा divide करने के बाद start giving the ranking to it. Okay? एंड रैंकिंग देने के बाद जैसे फर्स्ट किसको देना है, सेकेंड किसको देना है, ऐसे रैंकिंग देंगे. नाउ लेटर एंड नेक्स्ट स्टेप. नाउ आफ्टर गिविंग द रैंकिंग क्लास यू हैव टू कैलकुलेट द रैंकिंग ऑर्डर वाइज, कि ऑर्डर वाइज अगर हम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम किसका होगा. Then and after you know calculation of your ranking order, the last step will be you have to calculate the overall profitability. Okay, so again we are revising the four, कितने हमारे जो three steps हैं हमें उसको revise कर देते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ranking order को decide करना है कि हमें हम किसको सबसे पहले priority पर रखेंगे. तो we have to first decide the ranking order. सेकेंड हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब रैंकिंग ऑर्डर के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम इसका लिमिटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे, अलोकेटिंग लिमिटिंग फैक्टर एज पर द रैंकिंग. एंड द थर्ड स्टेप, प्लस ऑल द स्टेप्स विल गेट मोर क्लियर व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द सम. द थर्ड वन विल बी द कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच गिव्स यू द कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस योर फिक्स्ड कॉस्ट विच गिव्स यू द प्रॉफिट और द लॉस. तो यही जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट शीट है वो थर्ड स्टेप में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट शीट. ओके, एनी वन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट टिल यू? देखो क्लास, ये जब भी हम बोलते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर या तो की फैक्टर, ये हमने लिमिटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ा. नाउ व्हाट आई मीन बाय अ की फैक्टर, हम उसके बारे में भी एक आध दो पढ़ते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय अ की फैक्टर इज. यस क्लास, सो डिसीजन ऑफ अ की फैक्टर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर सेल्स मिक्स. ठीक है, सॉरी, योर सेल्स मिक्स का जो भी ये होगा डिसीजन होगा वो आपका डिपेंड करेगा हमेशा की फैक्टर पर. Now, देखो, why? Because every businessman, what it aims at, they aims to produce and sell unlimited units. उनको उतना जितना produce किया उतना उनको sell भी करना है, जो भी वो manufacture करेंगे. But there is always a factor which limits the level of the activity. हमेशा कुछ ना कोई factor हमें limit कर ही देगा activity. और जो factor हमें limit कर देगा हमारी ये level को, level of the activity को, that factor is known as a key factor. Now, probably in the most of the cases, you will find that the sale will be the key factor. Why the sales will be key factor? Because it determines how much should be produced. हमें पहले ये determine करना है कि हमें कितना produce करना है. There may also be some other factors. Apart from your sales, there will be other key factors which we discuss in the limiting factor. It can be your raw material supply. It can be the availability of your skilled labor, machine hours हो सकते हैं. बट क्लास हमेशा याद रखो कि व्हेन योर सेल इज अ की फैक्टर, दिस इज देयर इन द स्लाइड,
when your sale is the key factor, the profitability of a product is always and always determined by your profit volume ratio. ठीक है, और हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला भी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, करेक्ट। तो जब भी हमारा सेल की फैक्टर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे प्रोडक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रू अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नाउ इट कैन बी, दिस कैन बी यूटिलाइज इन एनी ऑफ द रिसोर्सेज आर क्लास, इट कैन बी यूज फॉर द लेबर एज वेल, इट कैन बी यूज फॉर द मशीनरी, रॉ मटीरियल, जहां भी शॉर्ट सप्लाई है वहां पर हम ये की फैक्टर को यूज कर सकते हैं। सो जब आपको कोई बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके दो हमें ये की फैक्टर में, सो वॉट इज द फॉर्मूला, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, सो सी प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ अ की फैक्टर, आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बाय डिवाइडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन विद अ की फैक्टर। जो भी आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला होगा उसको की फैक्टर से डिवाइड कर दो। नाउ दिस की फैक्टर एज आई टोल्ड यू इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड इसमें कैसा होता है, जो भी प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा यील्ड्स देता है, जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ अ स्केयर फैक्टर्स जो भी है, दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द लार्जर क्वांटिटीज, हम उसको ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अर्न अ मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस की फैक्टर हेल्प्स अस टू डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अ प्रोडक्शन और ऑप्टिमम लेवल ऑफ अ सेल्स। Okay, so this was all about your key factor and a limiting factor.